हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा की रसोई में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के व्रत में हर बार वही नाश्ता खा खा के हम बोर हो जाते हैं। आज हम व्रत के लिए हेल्दी और टेस्टी कम तेल का नाश्ता बनाएंगे, इसीलिए आज मैंने व्रत के लिए स्पेशल मसाला डोसा बनाया है और साथ ही में उसी के साथ खाने के लिए चटपटी आलू की सब्जी बनाई है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी समा के चावल भिगोकर रख दिए हैं। इन्हें मैंने एक घंटे पहले भिगो दिया था। इसी कटोरी से मैंने इसे नाप लिया है। कई जगह पर इसे समक राइस, बगर या व्रत वाला चावल भी कहा जाता है। अब हम इसे अच्छे से पानी से निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पानी से निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। मेरा मिक्सी का जार छोटा है तो मैं इसे दो बैच में पीस लूँगी। तो हमें इसे एकदम बारीक महीन पीसना है। ये देखिए, इसी के साथ मैंने यहाँ पर आधी कटोरी ताज़ा दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, आप अपने पसंद से इसे ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने दही को भी इसी में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से बारीक पीस लेंगे। इसे महीन पीस करके हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम दूसरी बैच में 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे और साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डालेंगे। अगर आप अदरक नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से पीस कर उसी बाउल में डाल देंगे। इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, आधा छोटा चम्मच जीरा। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इतनी कंसिस्टेंसी में मैंने ये बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इसे हम साइड में रख देंगे और डोसे के साथ खाने के लिए हम सबसे पहले आलू की सब्जी बना लेंगे। ये देखिए, गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। सबसे पहले हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी डालेंगे। अगर आप ऑयल डालना चाहते हैं तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। इसी के साथ 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इन्हें आधे मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें मैंने उबाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार सेंधा नमक। ये देखिए, यहाँ पर मैंने भुने हुए मूंगफली का पाउडर लिया है। मूंगफलियों को तवे पर अच्छे से भून लीजिए और उसका छिलका उतार करके उसका पाउडर बना लीजिए। ये 2 चम्मच पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली का पाउडर डालने से आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएगी। अब हम इसमें आखिरी में डालेंगे ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालकर हम इसे एक बार और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारी चटपटी आलू की सब्जी बनकर तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसके साथ खाने के लिए गर्मा गर्म डोसे बना लेंगे। ये देखिए, गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन रख दिया है। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। जब हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी के छींटे डाल देंगे और इसे कपड़े से पोंछ देंगे। अब हम इसके ऊपर 2 चम्मच बैटर डाल देंगे। बैटर डालकर हम इसे चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ये डोसे आप अपने पसंद से बड़े या छोटे बना सकते हैं। मैंने ये मीडियम साइज़ के डोसे ही बनाए हैं, ज़्यादा बड़े मैंने नहीं बनाए हैं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर आधा मिनट के लिए सेक लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रख लेंगे। आधे मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसके ऊपर वाली साइड में हम हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से दबाते हुए सेक लेंगे। दूसरी साइड से जब ये अच्छे से सेक जाएगा, हम इसे पलटी कर लेंगे। ये देखिए, कितना अच्छा इसका कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया है।
अब हम इसे इसी तरीके से प्रेस करते हुए दूसरे साइड से भी क्रिस्पी कर लेंगे। इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हमें इसे सेक लेना है। ये देखिए हमारा डोसा बहुत ही अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे डोसे भी बना लेंगे। अगर आप चाहे तो समक राइस के साथ में आधे साबुदाने भी ले सकते हैं, इससे आपके डोसे और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारे डोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म डोसे साथ में चटपटे आलू की सब्जी और मैंने यहाँ पर आधी कटोरी छाछ ली है। ये देखिए हमारा व्रत वाला कम तेल का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।